तो मैंने यहाँ मिरर ले लिया और इस तरह से मैंने इस मिरर के चारों तरफ पेंसिल से सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब हमें इस तरह से देखे, ये तो मैंने सर्कल ड्रॉ किया, इस पे हमें इस तरह से बटन होल स्टिच करना। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे नीडल को निकाल लिया है। और इसे थोड़ी सी दूरी में, इस तरह से हमें डिस्टेंस में देखे बटन होल स्टिच इस तरह से हमें करते जाना है। तो हम थ्रेड को टाइट रखेंगे और थोड़े से हल्के से डिस्टेंस में हमें इसे करना है। तो देखिए इस तरह से इक्वल डिस्टेंस रखते हुए हमें पूरे सर्कल में इस तरह से बटन होल स्टिच कर लेना है। तो इसी तरह से हम इसके चारों तरफ हम बटन होल स्टिच कर लेंगे। एक राउंड कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से हमें फिर से पूरे सर्कल में बटन होल स्टिच करेंगे और इसी तरह से हमें 3 राउंड करना है। ये दूसरा है और इसके बाद हम तीसरा राउंड भी इसी तरह से करेंगे जब तक कि मेरा ये मिरर इसमें अच्छी तरह से फिट ना हो जाए। तो बस एक एक करके हमें इनके बीच से निडल को इस तरह से निकाल लेना है और इस तरह से हमें इसके पूरे 3 राउंड हमें बटन होल स्टिच के करना है। अगर 3 राउंड से ना हो तो आप चौथे राउंड में भी कर ले ताकि अच्छी तरह से इसमें फिट हो जाए, क्योंकि हम अपने मिरर को चिपका नहीं रहे हैं तो इसलिए हमें थ्रेड से ही इसे अच्छी तरह से फिट करना है। तो चलिए इसी तरह से हम इसमें और 2 राउंड कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने पूरा 3 सर्कल बना लिया है। अगर आपका मिरर अभी भी फिट ना हो अच्छे से तो आप 1 राउंड और भी कर सकते हैं। और इस तरह से बस हमें यहाँ पे नीचे, इसके नीचे से निडल को निकालते हुए ठीक यहाँ पे इस तरह से हमें डाउन कर लेना है। आप चाहे तो इस तरह से भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे फिर दूसरे कलर का थ्रेड लगा लिया। तो इस तरह से मैं यहाँ पे दूसरे कलर का थ्रेड लगा लूँगी अपने नीडल में। तो आप देख सकते हैं ये ऐसे भी खूबसूरत लग रहा है, लेकिन इसे और हमें खूबसूरत करना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे देखिए इस तरह से नीडल को लगा लिया है और बस इस तरह से देखिए हमें अपने नीडल को इस तरह से इसके बीच से निकाल लेंगे। फिर से हम यहाँ पे इस तरह से आएंगे और यहाँ भी इसी तरह से हमें अपने नीडल को इस तरह से इसके बीच से निकाल लेना है। तो बस हमें इसी तरह से देखिए इसके बीच से हमें इस तरह से नीडल को निकालते जाना है। बस हमें थ्रेड के बीच से इस तरह से निडल को निकालना है। तो बस इसी तरह से इसके चारों तरफ हमें अपने निडल को निकाल लेना है। यह आप पे है कि जैसे मैं ये पहला सर्कल इसके चारों तरफ घूम रही हूँ, आप चाहे तो 2 राउंड 3 राउंड इसी तरह से हमें निडल को इसके बीच से निकाल लेना है। बहुत इजी है, देखिए इस तरह से बस हमें इसके बीच से नीडल को निकालते जाना है। तो देखिए एक पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया। तो बस इसी तरह से एक और सर्कल हमें इसके चारों तरफ बना लेंगे। तो
फिर इसी तरह से एक बार और हमें इसके बीच से सर से नीडल को निकाल लेना है। तो देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है। तो बस एक और राउंड हमें इसी तरह से नीडल को इन थ्रेड के बीच से हमें निकाल लेना है। एक राउंड दो राउंड आपको जितना भी राउंड पसंद हो इस तरह से कर लीजिए, ताकि इसके चारों तरफ इस तरह से रेड कलर का एक और राउंड बन जाए। तो देखिए इस तरह से हमें इसके चारों तरफ बनाते जाना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से पूरा दो सर्कल बना लिया, और ठीक यहाँ पे इस तरह से हमें अपने नीडल को यहाँ पे डाउन कर लेंगे। तो आप देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत सिंपल और बहुत आसानी से जल्दी से बनने वाला डिज़ाइन था, और ये बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।